तो जी चौपटा रह गया यहाँ से 25, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने गलती कर दी इस रास्ते से आके। इसकी आंख बंदर लंगूर। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल डीपी व्लॉग्स। तो यार पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था जब मैं केदारनाथ गया था, तो कुछ एक वीडियोस हैं जो मैं उस समय नहीं डाल पाया था, और अगली जो ट्रिप है मेरी स्टार्ट होने वाली थी, सो मैंने मेन एपिसोड्स तो डाल दिए थे, बट एक स्टोरी उस वीडियो में ऐसी थी जो मैं आपको नहीं बता पाया था, और मुझे लगता है कि इस समय बेस्ट टाइम है आपको वो बात बताने का, वो स्टोरी सुनाने का। सो हुआ क्या था कि हम लोग यहाँ से चार लोग जाने वाले थे, एक्चुअली तीन लोग यहाँ दिल्ली से जाने वाले थे, और फोर्थ जो हैं MSB मोटोब्लॉग जो कि उत्तराखंड से ही हैं। तो हम लोग जो यहाँ से जाने वाले थे, हमारा RT-PCR टेस्ट होना था जिसमें वो दोनों पॉजिटिव आ गए। अब वहाँ से मनीष भाई कहने लगे कि यार मेरे को तो अब ये ट्रिप करना नहीं है, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि भाई बद्रीनाथ का ट्रिप आप मेरे साथ कर लीजिए, क्योंकि वो केदारनाथ का ट्रिप करके आ चुके थे। तो होता क्या है कि वो मेरे साथ बद्रीनाथ का ट्रिप कर लेते हैं, ट्रिप करने के बाद वापस हम जोशीमठ आते हैं, जोशीमठ आने के बाद मेरे रास्ते उनसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वैली ऑफ फ्लावर जाना था और मेरे को केदारनाथ जाना था। तो केदारनाथ जब मैं जा रहा हूँ जोशीमठ से, तो जोशीमठ और सोनप्रयाग के बीच में, क्योंकि केदारनाथ आपको जाना है तो सोनप्रयाग पहुँचना पड़ेगा, जोशीमठ से केदारनाथ जाने के लिए तीन रास्ते हैं। एक रास्ता आपको चमोली से कटता है, दो रास्ते आपके करणप्रयाग से कटते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन सा रास्ता ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार शॉर्टकट लेके जाना चाहते हो बट थोड़ा सा डेंजर है, क्योंकि जंगल है बीच में। और मुझे लगा, मेरी आंखों में इमेज बनी, मेरे माइंड में इमेज बनी कि यार जंगल होगा किस तरह का होगा, जंगल होगा ठीक है, गाड़ियां तो आती जाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे जंगल मैं पहले भी देख चुका हूँ। सो पहाड़ी जंगल का आइडिया नहीं था मेरे को। सो हुआ क्या कि जब मैं निकला, तो निकलने के बाद जब मैंने उनसे बाय बाय करी, और उसके बाद ये स्टोरी बताने से अच्छा है कि मैं आपको दिखाऊं, तो चलो फिर फ्लैशबैक में चलते हैं और स्टोरी का आनंद लेते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज है 19 तारीख और आज मैं हूँ जोशीमठ में। कल बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करके आए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आज मैं निकल रहा हूँ फिर सोनप्रयाग के लिए, रास्ता थोड़ा लंबा है तो थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ। टाइम हो गया, 9 बज गए। और मनीष भाई, आपका प्लान कुछ? अभी तक कन्फ्यूजन चल रही है, क्योंकि एक्चुअली जाना तो मैंने था साथ, बट अगर मैं वैली ऑफ फ्लावर भाई के साथ करूँ तो मुझसे केदारनाथ की चढ़ाई नहीं हो पाएगी, दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी मेरे को। तो बद्रीनाथ हम लोग साथ करके आ चुके हैं, ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं बाइक के ऊपर, क्योंकि रास्ता लंबा है और जल्दी जल्दी हमें पहुँचना है। तो भाई निकल रहे हैं अब अपने यात्रा की तरफ को सोनप्रयाग, और मनीष भाई का प्लान जो है वो आपको उनके चैनल पे पता चलेगा। अच्छा मनीष भाई, मिलते हैं, थैंक यू। चलो आगे देखते हैं, कोई प्लान बनाते फिर हैं, ठीक है, ओके भाई। तो भाई मनीष भाई और यहाँ से मेरा रास्ता अलग अलग हो जाता है, मुझे अकेले करनी है केदारनाथ की यात्रा सोलो, क्योंकि यार वो कर चुके हैं पहले ही और अब मुझे करनी है। लेट्स सी भोले बाबा मेरा किस तरह से साथ देते हैं। पुल पार चमोली, तो गाइस ये मेन चमोली से मैं राइट हो गया हूँ, केदारनाथ जी की तरफ को मुड़ गया हूँ सोनप्रयाग के लिए। यहाँ पर जो है दो रास्ते कटते हैं, जो कि एक तो आगे से जाता है
वो कर्णप्रयाग होते हुए जाएगा, बट इसने मेरे को यहाँ से काट दिया। थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता रहेगा ये, बट खाली मिलेगा सबसे अच्छी बात। तो जी यहाँ से केदारनाथ लेफ्ट लेना है, बद्रीनाथ के लिए राइट, यानी कि वो वाला रास्ता। केदारनाथ जी हैं यहाँ से 121 किलोमीटर और बद्रीनाथ जी 103 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ को। सो गाइस, आगे जो रास्ता आ रहा है यही मेन इस वीडियो का कंटेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो रास्ता आगे शुरू हो रहा है ये जंगली डेंस्ड रास्ता है, जो कि माउंटेन वाला रास्ता है, प्रॉपर रास्ता नहीं है। और मैप के थ्रू देखिए कितना डेंस जंगल है, और उसके बाद मैं आपको वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का रास्ता है। RT-PCR रिपोर्ट कोरोना की वजह से ये रास्ता बिल्कुल एक तरह से सुनसान हो चुका था, और जहाँ से मैं अभी निकलने वाला हूँ। तो जी चौपटा रह गया यहाँ से 25, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने गलती कर दी इस रास्ते से आके। कोई भी दिख नहीं रहा है यार, एक आध गाड़ी कोई एक आध 10-15 मिनट में निकल के निकल जाती है बस, ना कोई आगे ना पीछे, अकेले ही चला जा रहा हूँ। बट अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता यार, क्योंकि मैं आगे आ गया काफ़ी, क्योंकि शुरू शुरू में ठीक लग रहा था, बट अब तो अब मेरे मन की व्यथा समझ ही सकते हो। फिर ऊपर से थोड़े से बादल भी दिख रहे हैं मेरे को। चलो एक स्कूटर दिखा मेरे को आगे जाते हुए, एक हम सफ़र तो मिला, नहीं तो जान में आफत ही लग रही थी अभी तक तो। अब इनके साथ बोलूँगा तो कुछ आगे तक सफ़र कट जाएगा। ये भी लोकल ही हैं, क्या पता कब साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इनके सर पे हेलमेट नहीं है, तो ये आसपास के ही लोग होंगे। एक अच्छी बात यह है कि गाय वगैरह दिखती रहती हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई वैसा जानवर नहीं है जिससे मेरी हवा ख़राब हो जाए। बोले अंकल तो वहीं रुक गए, कहते ही रुक गए यार। क्या रास्ता है, बंडल पौधाल्य।
कहाँ चल रहा है मैप। मैप भी भरोसेमंद नहीं होता, गाड़ी कहाँ चल रही है वो साला कहाँ दिखा रहा है। ठंड और लगने लगी मुझे अब हल्की हल्की। इसकी आँख बंदर लंगूर। बंदर लंगूर लंगूर था एक्चुअली। ये ऐसे रोड कब तक है? मुश्किल से 15-20 किलोमीटर, उसके बाद तो नजारे हैं। अच्छा तो ये रोड जो है मतलब आगे तो बड़ा खराब है, आगे कैसा है? खराब है आगे। हाँ मतलब ऐसा सा ही है जैसे ये 15 किलोमीटर ऐसा बस, उसके बाद शानदार रोड है। और कोई लोग वगैरह भी नहीं दिख रहे यार, बड़ा डेंजरस है। है सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से आ रहे हैं, पूरा केदारनाथ से आ रहे हैं। अच्छा केदारनाथ से आ रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हो फिर? बद्रीनाथ। मैं बद्रीनाथ से जा रहा हूँ केदारनाथ। चलो कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? कहाँ से दिल्ली में? पीतमपुरा। अरे वाह। चलो बढ़िया है यार, बाकी मेरी तो हवा बड़ी ले रही है यार, रोड ऐसे हैं, अकेला और हूँ। अकेले बंदा तो अपने आप ही बात करता रहता है। चलो जी कह तो रहे हैं कि आगे रोड अच्छी मिल जाएगी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी क्या कहते हैं। भाई जी चोपटा कितना रह गया? 5। अब रोड खराब तो नहीं आएगी ना? सही है। यार अकेले के लिए तो रास्ता ठीक नहीं है पीछे। हाँ कितने? 21 किलोमीटर जंगल था ना, मेरी हवा खराब हो गई। तो अभी मैं गोपेश्वर से होते हुए, मंडल से होते हुए आया हूँ।
तो 21 किलोमीटर का जो पैच था बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा, और रोड भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है। पतली एक पगडंडी टाइप की रोड थी जो कि आपने मेरे कैमरे में देखा होगा, मतलब जान सूखी पड़ी थी कि कुछ मतलब ऐसा ना हो जाए कि अगर बाइक का टायर भी पंचर हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए ना, तो भाई इंसान देखना भारी था वहाँ पर, बहुत बुरी तरह मैं डर गया था। तो अभी भाई मिले हमें यहाँ पर, तो इन्होंने थोड़ी सी तसल्ली दी हमें कि भाई अब आगे रोड जो है वो ठीक है। और भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर चीते हैं। हाँ, चीता रहता है, बाकी चीता वगैरह है यहाँ पर, चीता है और हाथी वगैरह नहीं आता। हाथी नहीं है इधर, हाथी नहीं है। चलो जी, यहाँ से चोपटा जो है लगभग 5 किलोमीटर रह गया, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज सोनप्रयाग पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मौसम का कोई यहाँ भरोसा नहीं रहता, पहाड़ों में कभी भी बारिश हो सकती है। चलो, वैसे बादल हैं इस तरफ को आगे, और जगह जो है वो बहुत प्यारी लग रही है। जो भागते भगाते आए हैं वो देखो, अब अच्छा लगने लगा है, थोड़ा सा खुला खुला आ गया है, मतलब रास्ता वगैरह जो है इस तरह का मिलेगा हमें थोड़ी आगे तक, और ऊपर बादल वगैरह हो चुके हैं तो फटाफट भागा जाए यहाँ से। सो गाइस, पहुँच गया हूँ मैं चोपटा, देवभूमि में आपका यात्रा मंगलमय हो। कहते हैं कि यात्रा के दौरान जहाँ भी रुको वहाँ के लोकल से उस जगह के बारे में ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पर बैठ के खाना खा रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि पंच केदार में से तृतीय केदार श्री बाबा तुंगनाथ जी के लिए यहाँ से ट्रैक शुरू होता है, जो कि चौपटा से 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है। और इसी यात्रा को करने के लिए मैं इस बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के बाद गया था, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाके मैं ड्रोन उड़ाऊंगा एक बारी, 5 मिनट 10 मिनट लगा के, जैसा भी लग रहा है यहाँ पर कुछ सुंदर सा नज़ारा है। है तो भाई अच्छा, बढ़िया। तो अभी उड़ाया ड्रोन, ड्रोन शॉट कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट में। और ये जगह देखो मैजिकल है, और भाई स्वर्ग है ये कैंप लगाने वालों के लिए। यहाँ देखो खाना बना रहे हैं, और फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, मस्ती में अपने दिन काट रहे हैं। वहाँ पर भाई लोगों ने अपना कैंप लगाना शुरू करा है, लकड़ी वगैरह जमा कर रहे हैं। 1 घंटा निकल गया मेरा यहीं पर, अब मैं पढ़ता हूँ आगे की तरफ को। अच्छा भैया, तो भाई ये कट आया यहाँ पर, यहाँ से राइट लेना है मेरे को केदारनाथ, गुप्त काशी, कालीमठ, और ये जो रास्ता जा रहा बद्रीनाथ, चोपटा, उखी मठ, जो कि नहीं लेना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, तो अगर आप अकेले हो खासकर। तो मैं बद्रीनाथ से, चोपटा भाई यहाँ से होगा 25-30। हाँ,
तो जी सोन प्रयाग रह गए यहाँ से 30 किलोमीटर, 1.25 घंटे का रास्ता, पानी पिया जाए रुक के, बहुत प्यास लग रही है। चलो जी पी लिया पानी, अब बढ़ा जाए आगे की तरफ को। केदारनाथ 47, गोरीकुंड 33, BRO विशेज यू सेफ एंड हैप्पी जर्नी। कर तो ली मगर थोड़ा सा पानी लग गया मेरे पैरों में। चल चलो 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 चल 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 ओ थोड़ा सा टायर वॉश कर लिए जाएं। चलो भाई हिम्मत रखना, जय भोलेनाथ। सो गाइस सोन प्रयाग से पहले यहाँ पार्किंग बन रही है, ये थी पूरे दिन की मशक्कत। मैं पहुंचा सोन प्रयाग, अगले दिन जो है वो ट्रैक चालू करना है मेरे को, केदारनाथ जी का। बहुत बढ़िया से ट्रैक हो गया था मेरा, अकेले ही करा था मैंने, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखें, टाइल्स में आ रही होगी। अगर टाइल्स में नहीं आ रही तो प्लेलिस्ट को रेफ़र करके आप वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि वीडियो का सार दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, स्टोरी लाइन में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।